One, two, three, done. आज की जो प्रेस वार्ता रखेंगे इसकी क्या कुछ मुख्य है? ऐसा है जी, देखिए पहले तो आप लोगों के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को भाई सारे भाइया ने राम राम, बड़िया ने बुजुर्गा ने राम राम और छोटे भाइया ने बहुत सारा प्रेम और प्यार भाई। प्रभु श्री राम जी की जो है प्राण प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुई है, जो अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है देश खातर, सनातन धर्म के लिए और सभी अन्य धर्मों के लिए भी, क्योंकि कहा गया है भाई प्रभु तो एक है, इसमें कोई संशय दो राय नहीं। और ये प्रेस वार्ता इसलिए की गई है कि कल हमने जो है प्रभु श्री राम के लिए योजना की है कि कल हम राम लला जी की एक कथा करवाएंगे, जिसमें हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए ये चाहते हैं कि प्रभु जी का, रामलला जी का गुणगान हो और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और आभार इसके माध्यम से एक मैसेज भी जाए और जो है आप सभी पे, और मेरा लोकसभा क्षेत्र है भाई, हैं सारे भाइया ने जो है इसके माध्यम से प्रभु श्री राम की भी विशिष्ट कृपा मिले, हैं ऐसी भी जो है हमारी कामना है। श्रीमान जी, आप हम ना हिसार में बैठे हैं फिलहाल में। हाँ जी सर, हिसार के लोगों को अपना परिचय दो प्लीज। ऐसा जी, मेरा नाम है प्रशांत देवर्त ढांडा, गांव से मेरा मिर्चपुर, और मेरे पिताजी जो हैं भाई चौधरी देवर्त ढांडा जी, वो खाप के प्रधान हैं, ढांडा खाप जो जिसके अंतर्गत सात गोत्र आते हैं, और हम एक प्रसिद्ध समाज सेवी के रूप में पिताजी प्रतिष्ठित रहे हैं। और हम जो है अब आप लोगों की भाई सेवा करण खातर आगे अपने एरिया में आगे, अपने भाइयों के बीच में आगे, बड़िया का आशीर्वाद लेना आगे, और भाई तारे बीच में रोवांगे हैं, और समाज सेवा खातर आ गए हैं भाई। किस किस टाइप की सेवाएं भाई साहब? हाँ जी, राजनीतिक मंच आ गया, कोई थोड़ा सा समझाओ हमने। ऐसा है जी, देखिए लोकसभा जो है हिसार से हम प्रयासरत हैं निसंदेह, और भाइया का सहयोग और बढ़िया का आशीर्वाद है, भाई इलेक्शन लड़ेंगे हैं, और तारे सहयोग तो जो है तारे बीच में हैं, पूरी सेवा करने के लिए तन मन धन से तारे बीच में हाँ, और वह भाइया का प्रेम मिले, सहयोग मिले, यही जो है कामना करा। भारतीय जनता पार्टी से भाई साहब? हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी से भाई साहब। अगर बात करें बीजेपी पार्टी की, बीजेपी पार्टी ने बड़े बड़े चेहरे छोड़ रखे हैं, जो पहले मंत्री तक रह लिए, और आप एकदम तो नए फील्ड में आ गए, आपने को होगी टिकटें मैं लेके आऊंगा, तो मतलब लोगों तक कैसे पहुंचोगे भाई साहब? ऐसा है, आपके प्रश्न में आपकी बात का उत्तर भी है भाई। भाजपा एक ऐसी मात्र पार्टी है जिसने जो है बड़े बड़े नेता और स्थापित नेताओं को छोड़ के जो है एक आम जनमानस को, एक आम व्यक्ति को, मारे वर्ग जो एक फ्रीडम फाइटर परिवार से रहे, और ये सत्याग्रह में मेरा एक मात्र ऐसा परिवार होगा अगर मैं गलत ना हो तो, जिससे तीन लोग, मेरा दादा, मेरे दादा का बड़ा भाई विजय सिंह जी और उनका चाचा, तीनों जो है ये सत्याग्रह में निजाम के खिलाफ जो है जेल में रहे और फ्रीडम फाइटर के रूप में जो है उनको जो है सम्मान मिला। तो भाई साहब ऐसा है, हम तो इस परिवार से हैं जिसने जो है समाज हित के लिए हमेशा से ही जो है संस्कार पाले हैं अपने अंदर, और यही मंशा के साथ और इच्छा के साथ जो है आप लोगों के बीच में हाँ, और जिसा भाई राम रख है, मालिक रख है, और दादा खेड़ा की कृपा होगी तो क्यों नहीं भाई तारे बीच में फिर सेवा कर दे। राजनीति मान का मुख्य लक्ष्य क्या है, एजेंडा क्या है, क्या चीज करना चाहते हो जो लोगों के बीच में आप आ रहे हो राजनीति के माध्यम से? भाई मेरा यूं मानना है, मैं कई बार जो है ना ऊपर भी शीर्ष नेतृत्व में मैंने यह बात कही है, लोग जो है ना इसको राजयोग मानते हैं, मैं इसको सेवा योग मानता हूँ। उसका कारण है राजनीति थी भाई सेवा का माध्यम, तो मन ने तो करनी है भाई तारे बीच में तारा बन के सेवा। अब उसमें मुद्दा जो रहेगा वो सबसे पहले तो रहेगा भाई डेवलपमेंट का, स्किल डेवलपमेंट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गांव के अंदर तक जावे है और लोगों ने काम दे हुए है, स्किल्ड बना हुआ है, जिससे आदमी अपनी जो है आगे की रोजगार जो है उसमें जो है कामयाबी पावे है। बाकी अन्य मुद्दे जो हैं वो हमारे समक्ष आए हैं, जो समाज से जुड़े भी हैं, डेवलपमेंट से जुड़े भी हैं,
वो सारे जो है संज्ञान में है, और भाई जी परमात्मा चाहोगा तो उन सब का जो है उनका भी सल्यूशन कराएंगे। राम कथा का आपने जिक्र कराया जी, विपक्ष का पलटवार है कि बीजेपी जो है राम का राजनीतिकरण कर रही है, आपने भी सबसे पहले राम कथा के ऊपर ही जी 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 देखिए जी हमारे देखते हो राम जी हमारे तो जी देखिए अंतर मन में और कण कण में जी राम बसते हैं, इसमें कोई संशय दो राय नहीं जी। और हम जो है राम भक्त हैं जी, इसमें भी कोई संशय दो राय नहीं है। दूसरी बात प्रभु श्री राम जो है ना जी, जी। वो तो सबके हैं, मैं तो नू कहूं हूं या एक धारणा गलत बन गई, बोले अरे जय श्री राम कहेंगे तो अपने बुजुर्ग बूढ़े सारे जो है साबत हरियाणा में गांव गांव में नुका कर दे राम राम जी, सुबेरे उठ दे खेत में जाते हुए सारे नु कहते राम राम जी, मिलते राम राम भाई, राम राम चाचा, राम राम ताऊ। तो जी राम का नाम तो मैं नहीं फिर भाजपा नहीं, हर एक के मुख पे है। हरियाणा का जो है वो तो मन मन में जो है आत्मा सो परमात्मा, जी आत्मा जो है हरियाणा प्रदेश के सारे बासिंदों की बहुत उच्च स्तर की रही है। और मैं ये कहता हूँ गांव में जितना राम बसे है उतना ही अयोध्या में बसे है। डबल इंजन की सरकार स्किल डेवलपमेंट पर काम नहीं कर पाई तो प्रशांत डांडा तीसरा कर पाऊंगे भाई साहब। ये जो है ना ये जो आपका प्रश्न है इसमें ना नजरिया जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सपेक्टिव आपको थोड़ा सा वाइड करना पड़ेगा। कारण है सरकार काम नहीं कर पाई, मैं इससे जो है कहीं ना कहीं इत्तफाक नहीं रखता हूं। उसका कारण है आपका कोई एक क्षेत्र का मुद्दा ऐसा हो सकता है जहां हो सकता है किसी नेता जो है वहां टच ना कर पाए हो या उस कार्य को ना कर पाए हो। अगर आप बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, आप बात करते हैं प्रदेश के स्तर पे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब जी ने जो है बहुत उत्तम श्रेणी का कार्य किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी जो है दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, देश जो है दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है, और इसके साथ ही जो है देश का डंका विश्व स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बज रहा है, और प्रैक्टिकली डेवलपमेंट जिसको कहते हैं वो हो रही है। क्योंकि मैं पूर्व में जो है अपने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर उत्तर रेलवे का माननीय अश्वनी वैष्णव जी के साथ मेंबर भी रहा हूं, तो आप देखिए रेलवे के उसमें देखें, रोड्स में देखिए, अन्य किसी डेवलपमेंट के उसमें देखिए, तो देखिए देश की जो पूरी जो चेहरा है और पूरी इमेज जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मजबूत हुई है डेवलपमेंट के रूप में। भाई साहब एक मिनट, जैसे ना आप तो एकदम से आगे सार में, और जो पिछले 10 साल से 15 साल से 5 साल से इसी पद के लिए इसी सीट के लिए पूरी सेवा भी करने लग रहे हैं, लड़ाई भी लड़ने लग रहे हैं, आप एकदम से भाई साहब एकदम से आना कुछ समझ में नहीं आया। भाई साहब बात तो आपकी ठीक है, पहली बात तो भाई मेरी जगह है, मेरा स्थान है, मेरा घर है, अपने घर आदमी एकदम न्याय करता, एक बात। दूसरी बात आपने मैं बता दूं, जो आपने बात जो मैं समझ पाया आपका तात्पर्य एकदम आन का, शायद राजनीतिक या सामाजिक परिवेश में तो हम बहुत पहले से हैं, आप राजनीतिक रूप से अगर पूछ रहे हो तो भाई साहब ये संगठन और भाजपा की खूबसूरती है। नहीं मेरा कहना मतलब ये है सर, कोई इशारा है क्या है? कोई इशारा है आपके पास? भाई साहब ऐसा है इशारा के मैं तो नहीं कहूं, प्रभु श्री राम की विशिष्ट कृपा जिस पे होनी है वो आपके समक्ष आएगा, और आपके समक्ष बैठ के जो है आगे समाज हित में कार्य करने के लिए आपका नेतृत्व करते हुए आपकी आवाज को वहां महापंचायत में बुलंद करेगा। सर आपने ये बीजेपी पार्टी क्यों चुनी? ऐसा है कि देखिए भाजपा जो विचारधारा है जी। मैं तो वैसे स्वयं सेवक के रूप में जो है पहले आरएसएस से जुड़ा रहा हूं सन 2014 से। भाजपा एक संगठन का अंग है, एक भाग है, इसको चुनना मेरी विचारधारा के अंदर जो प्रबलता है चाहे वो धर्म को लेके हो, चाहे डेवलपमेंट को लेके हो, चाहे आगे आने वाले सामाजिक कार्यों में, संगठन हर गांव के जिसको कहते हैं अंत्योदय तक पहुंचते हैं, और वो चाहते हैं कि भाई हर जगह हर क्षेत्र में हर व्यक्ति विशेष उसको जो है लाभ मिले और उसका उत्थान हो, और इसी विचारधारा से जो हम प्रभावित हों, और भाई साहब इसके चलते जो है मेरा जुड़ाव भी है और आत्मीयता का मेरा जो है रिश्ता और बिलीव भी है। चलो भाई साहब को अगर मौका देती है अभी जी,
लोकसभा चुनाव में जी आपको समझे अच्छे इंसान के नाते आपको जिम्मेदारी की डोर सौंपी जाए जी, क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग अपने लोकसभा क्षेत्र में? भाई साहब लोकसभा क्षेत्र में मेरा मानना है कि जो इंडस्ट्री, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरा मानना है कि कहीं भी फैक्ट्रियाँ आना बहुत अनिवार्य है। मेरे संज्ञान में तो जिंदल स्टील फैक्ट्री के अलावा अन्य कोई ज़्यादा अच्छी बड़ी फैक्ट्रियाँ अपने उरे एरिया में नहीं है, जबकि कनेक्टिविटी जो है हिसार की हमेशा से मजबूत रही है, उसके बावजूद भी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ पाई? हमारा क्षेत्रफल देखिए आप, स्किल देखिए, वो है और दमखम है हमारे क्षेत्र में कि भाई उसके अंदर जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो निस्संदेह में मेडिकल कॉलेज जो है भव्य स्तर का मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए। हाँ हमारे पास दो यूनिवर्सिटीज हैं निस्संदेह, लेकिन मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है और इंजीनियरिंग की एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी आए तो ऐसा मैं चाहता हूँ, जिसके साथ जो है और स्किल्ड और अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स अपने क्षेत्र को मिले जो, और आगे जो है हम अच्छी इंडस्ट्रीज लगा के अपने क्षेत्र का जो एक है, बात आती है एजुकेशन की बात आ गई थी जी, गरीब का बच्चा उसकी जिंदगी एक फाउंडेशन के अंदर रहेगी, अच्छी शिक्षा दीक्षा ना लेना, लोगों का मानना है सरकारी स्कूल में टीचर होता है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ाता है, तो लोगों का जनता का मानना है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छी जॉब मिलेगी आगे, तो गरीब के बच्चे की इनकी हैसियत नहीं होती प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की, तो वो लोगों का डिस्टेंस कैसे दूर होगा जो गरीब के बच्चे भी वही शिक्षा ले सके जो अमीर के बच्चे पढ़ना चाहते हैं? भाई साहब आपके माध्यम से आपने ये प्रश्न किया, आपके माध्यम से जो है ना ये बात लाखों लोगों तक पहुंचे श्रोतागण और जो देख रहे हैं, मेरे को बड़ी खुशी हुई आपने प्रश्न किया। मैं अभी गांव मिर्चपुर में जैसे 26 जनवरी को उन्होंने मुझे ऐसा सौभाग्य दिया कि वो सरकारी स्कूल मिर्चपुर का आप जाके देखिए, मेरा दिल जो है ना गदगद हो गया है, मन इतना प्रफुल्लित हुआ कि सरकारी स्कूल्स भी इस तरह के बन गए हैं। ये जो बात आप कह रहे हो ये एक धारणा पहले जो सरकारें रही हैं उन सरकारों की वजह से वो धारणा बनती आ रही है, जिसके वजह से गरीब जो है वो आज भी ये सोच रहा है भाई हम जो है ना कुकरे करके जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए दें बालका ने, मैं इनको सरकारी स्कूल में देखो और वहाँ का प्राध्यापक जो था प्रिंसिपल उससे मिलकर बातचीत करके के मतलब उनका विचार क्या आगे की योजना पढ़ाने की, और भाई देखो सारी बात ठीक से इंग्लिश भी जरूरी है और उनका इंग्लिश पे भी महत्व, भाई गांव में सरकारी स्कूल में प्राइवेट में हम तो नहीं सुनिया करते, बोले भाई उसमें तो इंग्लिश ज्यादा बढ़िया बोल रहा है बालक, उसमें ये हिंदी हमारी मातृभाषा है इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता ठीक है, लेकिन हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक पोडियम पे मजबूती देने के लिए बच्चों को मल्टीलिंगुअल होना जिसको कहते हैं बहुभाषित होना भी आवश्यक है, और ऐसा जो है जब मैंने देखा कि भाई सरकारी स्कूलों में भी इस प्रकार की जो है विद्या जो है उनको दी जा रही है और शिक्षा दी जा रही है वो अपने आप में जो है बहुत ही काबिले तारीफ। बसमंडा साहब आपने मारे लिया, हाँ जी तैयारी में पूरे हो लिए, समय बड़ा कम है जी, आपके क्या कदम रहोगे इब मतलब डोर टू डोर करना, रैलियां करना, सभाएं करना, किस तरीके से कदम चलेंगे अगर? भाई साहब मैं जो है सबसे पहले जो अपने गांव हैं क्षेत्र सारे गांव के अंदर वहां जाके अपने जो मेन भाई हैं उनसे मिलूंगा, वहां पे जनसंपर्क करूंगा, हैं गांव में जो है अपने बूढ़े बुजुर्गा के बीच में भाइया के बीच में आके उनसे पूछूंगा भाई तामनू बताओ पहले तो भाई अपेक्षा और कमी कड़े रहेगी, और दूसरा नो बताओ, मैं एक बात मेरे संज्ञान में आई थी कि भाई एमपी तो है नहीं बनकर जाके दिल्ली बैठ जे हैं बीच में रहने, भाई मैं तो जो है आया हूँ मडासा मार के तारे बीच में रहने, कभी आप महाराष्ट्र पाओ दिल्ली तो पा जाए वे मलिक साहब ने एक सवाल कराया है प्रधान जी जी, बोला के भाई जल्दी आए तो अब मतलब 9 हल्के हैं और 450 गांव है, हाँ तो टाइम भी कम रहेगा, तो इतनी जल्दी आप कैसे कवर कर पाओगे? भाई साहब ऑलरेडी जो है मैं गांव में जा रहा हूँ जी ठीक है, भाइया के बीच में हूँ, सरपंच भाइया के बीच में हूँ, और तारे माध्यम से देखो एक बात बता दूं, जो आदमी बढ़िया सोच गेल और अच्छी चीज खातर आगे बढ़े नहीं तो कारवा बनता चला जाता है, आप भाइयों के माध्यम से और बड़े छोटे आकार भाइया का आशीर्वाद मिलेगा, मैं नोकू हूँ
समय कम कदे रहा ही नहीं अच्छी चीज करने खातर, तो जब चाल पड़ो नहीं जब ये सवेरा है भाई। और इसे समय के बीच बीच में आपने ये दिखाएगा आपका भाई जो है आ गया है और भाई पूर्ण जोर तरीके से आपके बीच में संपर्क साधने की पूरी मेरी जो है हिम्मत और जो है मेहनत करना चाहते हो आप सभी को जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आप लाखों लोग आपको देखेंगे अभी जी, इतने सारे चैनल्स आपको कवर करने लग रहे हो, डायरेक्ट हिसार की जनता से सीधे तौर पे क्या बात कहना चाहोगे? भाई सीधे तौर पे मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा, देखिए नेता जो है ना, नेता शब्द जो है और राजयोग, इसकी जगह मैं मानता हूं सेवा, और आपके बीच में सेवा करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति आपसे अलग नहीं, आपका ही व्यक्ति होना चाहिए, आपका ही नेतृत्व वो व्यक्ति करे। और भाई ओ मैं करण की जो है ना सामर्थ्यवान भी हूँ, और मेरी ऐसी इच्छा भी है और मेरा भाव भी है कि भाई मैं भैया के बीच में रह के, अपने लोगों के बीच में, अपने क्षेत्र के बीच में रह के जो है सेवा करूं। और आपको ये मैं विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि निसंदेह मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र का आने वाले समय में पूरी इमेज, अगर आप मुझे सेवा का मौका देंगे तो इमेज बदल के ऐसे पोडियम पर लाके हिसार लोकसभा को खड़ा कर दूंगा कि भाई पूरे देश में इसका डंका और नाम चला करेगा, चाहे वो बजट के रूप में हो, चाहे डेवलपमेंट के रूप में हो, चाहे शिक्षा के रूप में हो, और चाहे किसी भी प्रकार के समाज सेवा और किसी भाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी लोकसभा के जन जन का भाव अपनी लोकसभा को और अपने एरिया को बढ़ाने का और आगे बढ़ाने का और देश को सशक्त करने का हो, ऐसा जो है मैं प्रयास भी करूंगा, और मेरा पूर्ण विश्वास भी है आप भाइयों के माध्यम से, ये मैं सारी जनता को जो है और सारे भाइयों को और बड़ों को मेरे कहना चाहता हूं कि निसंदेह हम इसमें जो है कामयाबी जो है हासिल करेंगे। कल का जो प्रोग्राम आपने बताया, हाँ जी, सार में आपका कोई इवेंट है जी जी, बारसमंद रोड पर किसी जी, मिलेनियम पैलेस में, मिलेनियम, उसके बारे में बताओ सर जी। और जी जैसे कि 500 वर्ष का जो है समय और एक प्रतीक्षा जो हम सब ने की है उसको पूर्ण किया है और वो खत्म हुई है माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ऐसा हो पाया। और 30 साल से जो है प्रभु श्री राम जी जो हैं एक टेंट में रहे, जो भी जो मेरे लिए बड़ा कष्टदायक है, और ऐसा जो है आज हो पाया कि हमारे बीच में अयोध्या मंदिर एक भव्य मंदिर हुआ है तो उपस्थित। तो मैं ये कहता हूं जी कि आप सबको जो है मैं विशेष आमंत्रण भी देता हूं, कितने कल मैंने उसमें 5 से 9 इस उपलक्ष में ही 5 से 9 एक आयोजन किया है मिलेनियम पैलेस में, इवेंट जो हमने किया है वो 5 से 9 जो है प्रभु श्री राम लला जी की जो है एक कथा रहेगी, गुणगान रहेगा, जिसमें श्रद्धेय अजय भाई जी जो हैं वो आएंगे और उनके मुख से जो है ऐसी कथा आप सब लोग सुने और प्रभु श्री राम विशिष्ट कृपा आप सब पे करें। इसके साथ ही मैं एक आग्रह और करना चाहूँगा, अयोध्या में जो है अभी बहुत ही भव्य स्तर पे जो है ऐसा किया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भी व अन्य माध्यम से भी, कि वहाँ जो है आप जैसे सभी लोग परिवार के साथ जाएं और प्रभु श्री रामलला जी के जो है दर्शन करें। ये भी आग्रह मेरा रहेगा कि आप समस्त परिवार जाके प्रभु श्री राम के जो है दर्शन करें एवं उनकी जो है विशिष्ट कृपा आप सब पे और समस्त वासियों पे जो है बनी रहे। राजनीति तो हरियाणा पे करियो जी, राजनीति खातर घने रोज अयोध्या जम्मू कश्मीर उन बना जाइयो, हरियाणा में राजनीति करियो। मेरे भाई सुन ले, गांव से मिर्चपुर, पिता का नाम है देवव्रत ढांडा, मेरे बाबू ने एक बात कही, भाई आदमी ने रहना चाहिए धरती पे, आदमी ने रहना चाहिए धरातल पे। भाई मैं तो मेरी धरती पर आया हूँ, मेरी धरती पर हूँ, पहले मेरे पिताजी ज्यादा था, मैं पहले भी उड़ाए लेकिन नू था राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं था ज्यादा है, तो इसलिए जो है व्यापार में ज्यादा चल रहे थे, खेती करा हाँ, छत्तीसगढ़ में 250 एकड़ जमीन है उसमें भी खेती करा हाँ, तो भाई किसान परिवार से हूँ, सारी चीजा ने जानू हूँ और सारिया ने समझू हूँ, और तारे कोई तकलीफ जो सी है जो ग्राउंड स्तर पे धरातल पे वही भी मने बेरा है हैं ठीक से नहीं, मैं उन चोकलेटिया में तक होनी जिसने बस बाहर बाहर के जो है नहीं सिस्टम देखे हूँ, तारे बीच का भाई हूँ, तारी चीजा ने समझू हूँ, और भाई जमा भीतर तक सारी चीजा ने समझ कर तारा जो है सेवा का करूंगा काम है, बाकी तारा मिला आशीर्वाद। थैंक यू भाई साहब, राम राम।